चलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में जन्माष्टमी पर कैसा है माहौल और कितना है भक्तों में उत्साह, ये जानेंगे। शशांक, हजारीबाग की बात करें तो आज जन्माष्टमी का जो माहौल है वो कैसा दिख रहा है और क्या प्रमुख आयोजन हो रहे हैं शहर में और कितना उत्साह भक्तों के बीच? देखिए नवीन, आज जन्माष्टमी है और शहर के कई मंदिरों में जन्माष्टमी को लेकर एक विशेष आयोजन किया जाना है। हालांकि अभी तो सुबह है, अभी तैयारियां चल रही है, लेकिन 12 बजे के बाद अखंड कीर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिरों में चालू हो जाएगा और देर रात तक चलता रहेगा। 12 बजे रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बात करें अगर मंदिरों की तो सबसे प्राचीनतम मंदिर पंच मंदिर जो भगवान कृष्ण का विशेष तौर पर हजारीबाग में एक मंदिर है, वहां पर विशेष आयोजन देखने को मिलेगा और वहां पर आज शाम 3 बजे से अखंड कीर्तन के साथ साथ पूजा पाठ चालू हो जाएगा जो मनोरथ कल तक चलेगा, यानी 24 घंटे तक चलेगा। और इसी बीच 12 बजे रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव वहां मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और उस मंदिर में भक्तों की भीड़ भी लगती है, काफी संख्या में भक्त 12 बजे रात में वहां दिखते हैं। तो हजारीबाग के पंच मंदिर में विशेष आयोजन है। वही कल की बात करें तो कल कई संस्थाओं के द्वारा और कई मंदिरों में दही हांडी का भी प्रतियोगिता रखा गया है, साथ ही साथ इसमें पुरस्कार भी रखे गए हैं, जीतने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी चल रही है। तो जन्माष्टमी को लेकर हजारीबाग में कई तरह के विशेष आयोजन होने हैं जो आज 12 बजे के बाद चालू हो जाएंगे। नवीन, बिल्कुल, तो हजारीबाग जिले में भी जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है और आपने बताया शशांक विधिवत किस तरीके से सभी कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार होंगे। तो हजारीबाग जिले की हम बात कर रहे थे, लगातार यहां पर भी जन्माष्टमी पर्व पर उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर 3 जिलों की सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वहां के संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उनके ज़िले में तैयारियां हो रही हैं और ये तैयारियां किस व्यापक रूप में की गई हैं जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर। तीनों जिलों में कई जगहों पर दही हांडी मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो जन्माष्टमी का एक मुख्य गतिविधि के रूप में भी शामिल है। तो तीनों जिलों में खासा उत्साह है जन्माष्टमी पर्व को लेकर और इन तमाम उत्साहों के बीच जो भक्त हैं वो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहे हैं। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी, प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।